महादेव 13वें दिन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ से आगे उज्जैन के लिए निकलने वाले हैं। रात में जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, एक पेट्रोल पंप है जामनगर से, जब आप बाहर की तरफ निकलते हो उज्जैन रोड पे, तो राजवीर पेट्रोलियम करके एक पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग आए, जैसे के लिए हमने ऐसे पूछा कि हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं क्या, तो जो हमारे भाई है उन्होंने हमें कह दिया कि आप जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो, आपको जो करना है वो करिए, ये पूरा पेट्रोल पंप आपकी सेवा में पूरा तत्पर है। तो ये सुन के हमको बहुत अच्छा लगा और भाई आपका दिल से शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे रात में जगह दी है आपसे रहने के लिए और हम लोग बहुत खुश हैं। एक मिनट है। इधर ले, बहुत ज़्यादा भूख लगी यार। 13वां दिन भूख के साथ स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। रात में भी हम लोग ने कुछ खाया नहीं था, बहुत ज़्यादा डाउन डाउन सा लग रहा है। नहीं, कुछ खाने मिल जाए यार पहले, देखते हैं, चलो चलते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग का जिस जगह पे है, इसका नाम है ओम शिव गौशाला। मतलब ये एक गौशाला है जहाँ पे जो गाय माता होती है उनकी पूरी तरीके से उनका ख्याल रखा जाता है, सारी चीज़ें की जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं पहली गौशाला यहाँ पर देख रहा हूँ और मतलब यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि गौशाला है, तो बहुत खुशी हुई। और रात भर से कुछ खाए नहीं थे अभी, तो यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे कितना सारा कुछ है आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे अलग है, ये है, ये और ये जितना सब कुछ आप देख रहे हैं ना, ये सब आपको इसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना है, ये आप फ्रीली ले लो बापू। तो ये आप लोग देख सकते हो कितने सारे डिशेज है और जिसमें जितना कुछ पड़ा है ना आप सब ले सकते हो। ये देखो, सब ले सकते हो, सब कितना सारा कुछ है आप लोग देख सकते हो। तो यार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग को भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो हम लोग देखते हैं। तो ये यहाँ के काका है, काका नमस्कार, हर हर महादेव। तो यहाँ पे ये गौशाला है, आप लोग मैं एक बार गौशाला बताता हूँ। ये गौशाला है, पूरी गाय माता की जो पूरी सेवा है, पूरी सेवा की जाती है यहाँ पर। इतनी सारी गाय माता है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। चलो कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगा है यहाँ पे। ये देखो कितना सारा कुछ है यार, एकदम से इतनी खुशी, ऐसा लग रहा है रे। ओके वाह यार वाह, सब मिक्स। ये गुरुजी है राइट, अच्छा उन्नीस सौ निन्यानवे में चालू हुआ था, तब से ये काम चालू है। बाप रे बाप, ये सेवा हमारी 23 साल से है। सही है, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं था इधर। हाँ क्या, एक गुरु जी ने ये सब बनाया। बाप रे, सेवा करके कब से शुरू हुआ है? 99 में शुरू हुआ है। ये क्या है बापू? ये भी उसकी तंत्री है। हाँ तो आज हम लोग है 33 में, 13वां दिन आज हम लोग की ट्रैवलिंग का है। और अभी हमने पेट्रोल पंप से निकल के वहाँ पे जो गौशाला थी वहाँ पे हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया थोड़ा, बहुत सारा कुछ था वहाँ पे खाने के लिए बट हमें जितना लगा हमने उतना खा लिया। तो आज के दिन की जो हमारी सबसे पहली लिफ्ट है ये ध्रोल के लिए है, जो कि लगभग हम लोग जहाँ से निकले थे वहाँ से 30 किलोमीटर है। भैया मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आपका नाम बता दीजिए। नरेंद्र सिंह जडेजा। तो भाई हमें यहाँ से ध्रोल तक छोड़ने वाले हैं, ध्रोल डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो भाई आपका दिल से शुक्रिया एक बार, आप हमें आगे तक छोड़ रहे हो उस चीज़ के लिए। तो जब हम लोग लास्ट मोमेंट पे ध्रोल में उतरे थे, ध्रोल में उतरने के बाद हम लोग लिफ्ट देख रहे थे, आधा घंटा हो गया था हम लोगों को किसी की लिफ्ट नहीं मिल रही थी, तब हमारे भाई आए जिन्होंने हमें लिफ्ट दी है और इन्होंने हमें लगभग 25 किलोमीटर
25 का था, 25 किलोमीटर इन्होंने हमें छोड़ा है। आप एक बार नाम बता दीजिए भाई। चेतन। तो चेतन जी का नाम है। तो चेतन जी का फिर से एक बार दिल से शुक्रिया हमारा इस सफर में हमारी हेल्प करने के लिए, हमारा थोड़ा डिस्टेंस और कवर करके देने के लिए। तो अभी पड़ोदरी में हमारे जो भाई थे, जो मतलब पेट्रोल पंप के जो गाड़ी होती है बड़ी वाली टैंकी की, वो गाड़ी चाहते उन्होंने हमें पड़ोदरी में छोड़ा। मतलब लगभग 23 से 25 किलोमीटर का ट्रैवल उन्होंने हमारा कवर करके दिया। अभी हम एक गाड़ी में हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? एजाज। तो एजाज भाई हमारे साथ में है और एजाज भाई हमें आगे राजकोट तक छोड़ने वाले हैं। तो एजाज भाई का दिल से शुक्रिया हमारे सफ़र में साथ देने के लिए और हमारी मंजिल को और थोड़ा नज़दीक करने के लिए। तो चलो चलते हैं, आगे जो भी कुछ नया होगा मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है? फिर से एक बार एजाज भाई का दिल से शुक्रिया, ठीक है? चलो चलते। तो आज सुबह हम लोग जामनगर से निकले थे। जामनगर से निकलने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल की हम लोग को भूख लगी थी, क्योंकि सुबह से हमने कुछ वो जहाँ पे ये गौशाला थी वहाँ पर थोड़ा कुछ खाया था, बट हम लोग को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, हम लोग बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे उसकी वजह से। और फिर हम लोग को लिफ्ट मिलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था जब हम लोग राजकोट में आए। तो यहाँ पर आने के बाद एक गाड़ी हमें मिली, तो वो जो गाड़ी है उन्होंने ऑनर है इकबाल भाई, तो इकबाल भाई ने हमें उनको हमने मतलब ये चीज़ बताई कि हमने कुछ खाया नहीं है, तो इकबाल भाई ने हमें जो भी कुछ नमकीन का पैकेट वगैरह हो तो वो खिलाया। एंड नाउ मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ, तो इकबाल जी इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद आपका कि आपने हमारी हेल्प की। इनको हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना होता है ना, वैसा हम लोग को लग रहा था, पर आपने हमें खिला दिया उसकी वजह से थोड़ा हम लोग को ताकत भी लग रहा है। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये हम लोग को बिस्किट का पैकेट भी एक एक लेके दिया है कि आपको अगर खाना है तो खा लो, बट हम लोग इसको एज अ बैकअप अगर कुछ नहीं मिला आगे तो हम लोग ये खाएंगे, तो उसकी वजह से इसको हम लोग रखेंगे, अभी खाएंगे नहीं वो। तो चलो इकबाल जी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो आगे चलते हैं। ये देखो हमने तो बस उनको बस एक एक बिस्किट का पैकेट बोला, बट उन्होंने कितना सारा ले लिया है। और भी बैग और हम लोग के पास में ऑलरेडी एक एक मेरा बैग भी है और इसके बैग में दो है नहीं और एक। हाँ वही। हाँ मतलब यार इकबाल भाई आप हमेशा ऐसे ही रहना। देखिए हम लोग है ना नसीब, अभी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, नमकीन खाया बिस्किट खाया, अब जाके थोड़ा सा मतलब शरीर में कहीं से ताकत सी आई है थोड़ी सी, तभी बात कर पा रहा हूँ। तो मोहम्मद तौकीर जी हमारे साथ हैं, अभी इन्होंने हमें अहमदाबाद मतलब हम लोग अहमदाबाद के लिए पिकअप किया है। ये राजकोट से आपने हमें पिकअप किया था राइट? राजकोट से हम इनकी गाड़ी में बैठे थे और राजकोट से अभी आगे लगभग 30 या 40 किलोमीटर पहले ही हमें छोड़ने वाले हैं अहमदाबाद से पहले। तो इतना तो भी है मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ कि इतना ट्रैवल हमारा आज कवर होने वाला है फिर से, और हम बहुत लकी है। और फिर से एक बार मोहम्मद जी का दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनकी गाड़ी में लिफ्ट दी और हमारे सफ़र में थोड़ा सा और डिस्टेंस कम करने में हमारी हेल्प की, ठीक है? तो चलो इस सफ़र को एंजॉय करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है? आज की सबसे बेहतरीन आज का खाना हमारा मोहम्मद जी की तरफ से। तो हम लोग देख सकते हैं ये तरबूज मोहम्मद जी अभी लेके आए। वाह मज़ा आ गया मोहम्मद जी, मज़ा आ गया। क्यों भाई कुमार मज़ा आ रहा है? गाइज हम लोग फिलहाल है अभी अहमदाबाद में, अहमदाबाद में हम लोग थोड़ी देर से चल रहे हैं। अभी कौन सा स्क्वायर है? वस्त्राल। वस्त्राल, ओके। तो अभी हम लोग फिलहाल वस्त्राल में हैं, वस्त्राल में है, और आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा चेंजेस लग रहे होंगे। बस जनरली बताओ तो हम लोग कल से अच्छे से कुछ खाए नहीं हैं और आज तो कन्फर्म कुछ खाए नहीं है। दोपहर में कुरकुरे का पैकेट खाया था एक 5 रुपये वाला, उतना ही था। तो और हम लोग होप कर रहे थे कि यार कोई तो मिल जाए जो हम लोग को थोड़ा बहुत तो भी कुछ खिला दें। तो कुछ भाई लोग यहाँ से वस्त्राल से, आप लोग सब वस्त्राल से ही राइट? तो वस्त्राल से ये मेरे भाई लोग हैं, आप सब लोग देख लो एक बार, सब लोग हाई कर दो। हाँ तो ये भाई लोग ने हमारे लिए ये क्या लाया है आपने? छोले कुलचे। तो ये इन्होंने हमारे लिए छोले कुलचे लाया है, और मतलब मैं वेट भी नहीं कर पा, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
सो मैं चाहूँगा कि जल्दी मैं ये खाऊँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार तुम लोग का, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं अहमदाबाद से गया था थोड़ी सी बुरी मेमोरी लेके गया था, बट इस बार खुश होकर मैं अहमदाबाद जब छोड़ के जाऊँगा तो कुछ अच्छी चीज़ें अपने साथ में लेके जाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोग का एक बार फिर से, और जब भी अहमदाबाद आएंगे आप लोग से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग फिर से एक बार बाइक से पूरा इंडिया घूमने वाले, ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, एंड थैंक यू अहमदाबाद, थैंक यू वस्त्र, ठीक है। उसको बाद चार हो गया भाई, खाना खाए वो अभी जो हमारे भाई लोग मिले थे, वस्त्राल ना, तो वस्त्राल में अभी हमारे जो भाई लोग मिले थे, इन्होंने पहले तो वो छोले कुलचे लेके आए थे, मैं बताना जो मैंने खाया अभी, छोले कुलचे बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा औसम थे। अब भाई लोग ने क्या किया है, इन लोग ने मुझे कॉल किया कि आप रुको मुझे आपसे और बात करनी है, मैंने बोला कुछ काम रहेगा। फिर देखो इन लोग फिर से क्या लेकर आए हैं, आइसक्रीम लेकर आए हैं, और ये लेकर आए हैं, ये दोनों आप रख लो करके साथ में। भाई लोग यार मैं अभी बस बोल नहीं सकते भाई। तो अभी जब हमारे साथ लास्ट मोमेंट पर जो भाई लोग थे उन्होंने मैं छोले कुलचे खिलाए थे, तो छोले कुलचे से थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई थी, तो मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ अभी। और आज का दिन बहुत ज़्यादा हर्डल से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा टफ था आज का दिन मेरे लिए और चिन्मय के लिए भी, बट वो बता नहीं रहा था, बट मैं मेरे मुंह से एकदम फेस से दिखाई पड़ रहा था कि हाँ मतलब मुझमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया था आज के दिन में, बट स्टिल हम लोग चलते रहे, हम लोग कहीं पे रुके नहीं, हम लोग का सफ़र चालू था। और बाद में थोड़ा सा सही लगा, फिर आज वीरेंद्र भाई से फिर से मुलाकात हुई, वीरेंद्र भाई इसके लिए हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि वीरेंद्र भाई हमारे मतलब सफ़र में ही नहीं, वो दोस्त ही नहीं, हमारे भाई भी बन गए हैं। हम जब भी पहचाना नहीं होगा आपने, शेयरिंग हो चुकी है तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बट आप पहचान लगे वीरेंद्र भाई, जिन्होंने हमें वलसाड़ से लेके अहमदाबाद तक की लिफ्ट दी थी अगर आपको याद नहीं होगा तो। तो आज मैं मतलब बहुत खुश हूँ इनसे फिर से मुलाकात हुई है, और अभी उन्हीं के पहचान में एक पेट्रोल पंप है, उन्हीं के रिलेटिव है, तो हाँ दोस्त है, तो उन्हीं के यहाँ पे हम लोग ने आज रात में टेंट लगाया है। तो पहली बार फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद नहीं बोलूँगा, आप तो हमारे भाई है अभी, तो ये जो हमारे आसिम भाई है इनको दिल से शुक्रिया, इन्होंने हमें आज रात यहाँ पे रहने की सुविधा दी। और आपका नाम भाई? भवानी सिंह। तो भवानी जी का भी मैं दिल से शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने हमें उनके पेट्रोल पंप पे आज रात यहाँ पे रुकने के लिए हमें जगह दी। तो ये था आज का दिन, थोड़ा सा था बट इट्स ओके, चलता है, हम लोग जिस सफ़र पे है इसमें कम ज़्यादा तो थोड़ा बहुत चलते रहेगा, अच्छे लोग मिलते रहेंगे, बुरे लोग मिलते रहेंगे, बट ये सफ़र कभी नहीं रुकेगा और ये सफ़र ऐसे ही चलते रहेगा। तो ये आज का 13वां दिन मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ इसी के साथ, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करिए, कुछ बताना है कुछ भी चीज़ें है सजेस्ट करें, कमेंट करिए, देखते रहो अपना, और ही मज़ा आएगा आपको आगे, तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, हम भी जुड़ने वाले हैं, तो वीरेंद्र भाई भी आगे के ब्लॉग में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे कि अगर मैं कोई भी वीडियो अगर डालता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन